नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। फिर एक और अपडेट लेकर हम आपके बीच आए हैं। राजगढ़ लोकसभा में हुए मतगणना को लेकर एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहां पर रोडमल नागर जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए थे तीसरी बार, उन्होंने अपनी जीत 1,45,537 वोटों से अधिक भी हो सकते हैं, अभी 50,000 से 60,000 वोटों की ओर काउंटिंग जारी है, तो 1,45,000 से अधिक मतों से रोडमल नागर जी ने अपनी जीत हासिल की है। रोडमल नागर जी यहां पर काउंटिंग चालू हुई है, उनसे यहां पर अपनी लीड बरकरार रखी है और यहां पर पहले राउंड से ही यहां पर रोडमल नागर हर राउंड में, काउंटिंग के हर राउंड में यहां पर आगे रहे हैं और रोडमल नागर 1,45,000 वोटों से राजगढ़ में विजय हुए हैं। तो उनके सामने प्रतिद्वंदी थे दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाने वाला राजगढ़, जिसमें लोगों के हवालों से बताया जाता था कि दिग्विजय सिंह का गढ़ है राजगढ़, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा फेर बदल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर रोडमल नागर जो भाजपा के तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए, उन्होंने अपनी 1,45,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर यहाँ पर बड़ा दावा किया जा रहा था और दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह मैदान में है तो काफ़ी बड़ा फेरबदल राजगढ़ में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा है। यहाँ पर क्लीन चिट राजगढ़ लोकसभा रही है, जहाँ पर पूरी तरह से फिर एक बार राजगढ़ में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है और यहाँ पर रोडमल नागर यहाँ के तीसरी बार सांसद बने हैं और दिग्विजय सिंह अपना गढ़ नहीं बचा पाए। दिग्विजय सिंह से उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कि कहीं ना कहीं उनका गढ़ है राघोगढ़ चाचोड़ा, वहां से दिग्विजय सिंह कई बड़ी लीड लेकर आएंगे और इधर राजगढ़ में आते आते यहां पर कवर करेंगे, लेकिन राजगढ़ चाचोड़ा से दिग्विजय सिंह अपना गढ़ नहीं बचा पाए, वहां से भी भाजपा ने लीड किया है और राजगढ़ लोकसभा में आने वाली एक विधानसभा जिसका नाम है खिलचीपुर, खिलचीपुर विधानसभा से रोडमल नागर जी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। वो विधानसभा खिलचीपुर है जहां पर 40,000 से अधिक मतों से रोडमल नागर जी को लीड मिली है। ब्याउरा में 17,000 वोटों से रोडमल नागर जी को लीड मिली है और बाकी और विधानसभा के अभी अपडेट नहीं आए हैं, जल्द हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी विधानसभा से कितने वोट मिले हैं, लेकिन रोडमल नागर जी ने राजगढ़ में अपना कब्जा फिर भाजपा ने जमा है। यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेताओं ने राजगढ़ में आकर यहां पर आम सभा की थी। रोडमल नागर जी के लिए यह मुकाबला बड़ा ही कठिन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से ये रोडमल नागर जी यहाँ पर तीसरी बार सांसद बने हैं और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जब से नाम सामने आया था, ऐसा लग रहा था लोगों के हर जगह पर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का नाम एक बड़ा नाम है और काफ़ी सालों बाद दिग्विजय सिंह पुनः राजगढ़ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के आने से यहाँ का बड़ा फेरबदल हो सकता है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अपनी इस बार तो अपनी शान बचा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर राजगढ़ में मतदाताओं को रिझाने के लिए पैदल यात्रा की थी और वहीं एक इमोशनल कार्ड दिग्विजय सिंह के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए यहाँ पर इमोशनल भी दिग्विजय सिंह हुए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन वो भी उनका इमोशनल होना कहीं ना कहीं राजगढ़ में कोई काम नहीं आया और यहाँ पर रोडमल नागर ने अपनी 1,45,000 से अधिक मतों से अपनी जीत हासिल की है। तो आप बने रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें।